सर एक चार्ट देखिए आईओएल केमिकल्स का। इसमें एक तो अभी मैंने जैसे कहा कि मुझे कुछ केमिकल शेयर अच्छे लग रहे हैं, तो इसमें आईओएल भी है। नंबर 2 बहुत बड़ा करेक्शन देख लिया स्टॉक ने, 900 रुपये का हाई लगा था लास्ट ईयर की शुरुआत में, और अभी इस बार जो है 300 रुपये का लो लग गया स्टेबल में, तो 1/3 इसका जो है वो प्राइस आ गया हाई का, तो काफी बड़ा करेक्शन देख लिया। और मुझे लगता है कि अभी इसमें एक पुलबैक आई है, इस तरह की पुलबैक लगभग ट्रेप करती है, तो 300 वाले की अभी 470 चल रही है, तो यहाँ पे बाइंग करेंगे तो आप ट्रेप हो जाएंगे। अगर किसी के नीचे के बाइंग है तो प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, आई थिंक 520-30 का ऐसा लेवल रहेगा कि जहाँ से फिर से अच्छा करेक्शन देखने की संभावना हो सकती है, तो मैं ऊपर के लेवल पे मैं थोड़ा सा कॉशियस रहूंगा, और मुझे लगता है कि अब प्रॉफिट बुकिंग का वक्त आ गया, तो 500-530 के अराउंड आया तो प्रॉफिट बुकिंग करने की, नई बाइंग करने की सलाह दी। आईओएल केमिकल्स पे स्टॉक काफी अच्छा है, मैं कहना चाहूंगा कि जिनको अगर ये स्टॉक लेना है थोड़ा सा ये रखिए, क्या बोलते हैं, मुझे पेशेंस रखिए। अभी फिलहाल में ये है कि स्टॉक थोड़ा सा लग रहा है ऊपर, लेकिन थोड़ा सा कंसोलिडेट होकर नीचे भी जाएगा, तो ये स्टॉक मेरे रडार पे रहेगा, लेकिन अभी फिलहाल में इस पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्योंकि इसमें चार्ट के जो मैं रीड कर रहा हूँ उसके हिसाब से अभी फिलहाल क्योंकि निफ्टी स्ट्रॉन्ग था, तो उस हिसाब से कुछ कुछ मिड कैप स्मॉल कैप में बाइंग आ रही है, लेकिन इसमें कंप्लीट बाइंग में जाने के लिए एक और इसका डाउन लेग पेंडिंग है, वो होने के बाद हो सकता है वापस से स्टॉक एक तेजी, तो वॉच लिस्ट में रहेगा मेरे, और मैं तभी बाइंग दूंगा, अभी मैं कोई बाइक की सलाह नहीं दूंगा, लेकिन जिनके पास रहेगा क्योंकि स्टॉक एक्चुअली कंटिन्यूसली डाउन परफॉर्म कर रहा है, अभी मुझे पता नहीं, शायद हो सकता है बहुत लोगों के पास ऊपर के लेवल पे हो और वो लोग फंसे हुए हो इस स्टॉक में, तो उसमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए पेशेंस का, बाइंग मोड पे है लेकिन अभी तक बाइंग कंफर्म हुई नहीं है, इसलिए मैं इसको बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। आईओएल स्टॉक वैसे तो अच्छा है, करेगा परफॉर्म करेगा, लेकिन थोड़ा पेशेंस होना चाहिए, और जब वो बाय सेटअप बनेगा उसके बाद में इसको रिकमेंडेशन दूंगा बाइंग फिलहाल के लिए, और जो सोच रहे हैं नया लेने की उनको फिलहाल अवॉइड करना चाहिए कुछ टेक्निकल स्टॉक को, हमें आगे जाके एक अच्छे लेवल पे स्टॉक ब्रेकआउट देगा तभी हम इसमें बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो ये राय है आईओएल सीपी पे।